हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, मतलब दीवार में ईंटों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम आज को आपको अपने वीडियो में ये बताएंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, मतलब दीवार में ईंटों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, दीवार में ईंटों की संख्या निकालने के दो या तीन फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो सबसे इजी फार्मूला है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ईंट के साइज पे ध्यान देना है। मतलब कि ईंट की साइज क्या है, आप केवल ईंट के साइज को ध्यान में रख के दीवार में ईंटों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक दीवार बना लिया है जो 15 फुट लंबी है, 10 फुट ऊंची है और 9 इंच मोटी है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इस दीवार का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल तो 15 फुट 10 फुट इंटू और 9 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 फीट आएगा, 0.75 फीट। इन तीनों का अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112.5 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट किस लिए आएगा, क्योंकि इन तीनों की यूनिट हमने फीट में ली है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल ब्रिक का साइज क्या है आपको उस पर ध्यान देना है। तो हमारा जो ब्रिक का साइज है वो ये है कि 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, मतलब कि इस दीवार में 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच की कितनी ईंटें लगेंगी, ये आपको केवल पता करना है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको ये बता दिया था कि 1 क्यूबिक फीट में कितनी ईंटें लगती हैं या 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें लगती हैं। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में कि 1 क्यूबिक फीट में 13.5 ईंटें लगती है, मतलब 13.5 ईंटें लगती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल आया है इसको आप 13.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आप 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही इस दीवार में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स होगी। तो इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो 112.5 मल्टीप्लाई विथ 13.5, तो टोटल जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1518 ब्रिक्स रिक्वायर। मतलब कि इस दीवार में 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच की जो टोटल ईंटें लगेंगी वो 1518 ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल में 13.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी दीवार में हो वो, चाहे 5 मीटर लंबी हो, 4 मीटर ऊंची हो, 0.2 मीटर मोटी हो, या फिर 50 फुट लंबी हो, 20 फीट ऊंची हो और 14 इंच मोटी हो, आपको उससे मतलब नहीं है कि दीवार का साइज क्या है क्या नहीं है। आपको बस इस चीज से मतलब रखना है कि आपके ब्रिक का साइज क्या है। अगर आपके ब्रिक का साइज 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच है तो आपको जो दीवार का जो वॉल्यूम निकालना है वो क्यूबिक फीट में निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर ईंट का जो साइज है वो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच है तो दीवार का जो आपको वॉल्यूम निकालना है वो क्यूबिक फीट में निकाल लेना है, और क्यूबिक फीट में निकालने के बाद आपको 13.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी संख्या आएगी वही उस दीवार में ईंटों की संख्या होगी। लेकिन अगर ईंट की संख्या 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है, मतलब जो दीवार का आयतन है, वो आपको फिर क्यूबिक मीटर में निकालना होगा। एक बार फिर से ध्यान रखिए कि अगर ईंट की जो साइज है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है
तो दीवार का जो आपको आयतन निकालना पड़ेगा वो आपको क्यूबिक मीटर में निकालना पड़ेगा, फिर क्यूबिक मीटर में निकालने के बाद जो आपका दीवार का आयतन आएगा उसको आपको 500 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर 500 से मल्टीप्लाई करने पे जो आपकी टोटल संख्या आएगी वो फिर उस दीवार में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, तो मान लीजिए कि आपका जो दूसरा दीवार है वो 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर ऊंचा है और इस दीवार की जो थिकनेस है मतलब जो मोटाई है वो 0.2 मीटर है। अब आपको इस दीवार में जो ईंटें लगी हैं वो मान लीजिए कि 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर साइज की आपकी इस दीवार में टोटल मतलब पूरे दीवार में 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर की ईंटें लगी हैं। अब आपको ये फाइंड करना है कि इस दीवार में इस साइज की टोटल कितनी ईंटें लगी हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि केवल आपको साइज ऑफ ब्रिक से मतलब है, आपको केवल ये देखना है कि हमारा जो साइज ऑफ ब्रिक है वो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच है या 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी साइज ऑफ ब्रिक है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है। तो सेम वही प्रोसेस जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप दीवार का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल तो इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, 5 × 4 × 0.2, यहाँ पे सभी यूनिट मीटर में है तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 4 क्यूबिक मीटर आएगा। क्यूबिक मीटर किस लिए आएगा, क्यूबिक मीटर कहिए या मीटर क्यूब कहिए, बात एक ही है, क्यूबिक मीटर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों की यूनिट मीटर में ले रखी है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ब्रिक की साइज है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें लगती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये वॉल्यूम ऑफ वॉल आया है इसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 500 से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका टोटल आंसर आएगा वही इस दीवार में ईंटों की टोटल संख्या होगी। तो इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल तो 4 × 500, तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर ऊंचे और 0.2 मीटर मोटे दीवार में 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर साइज की टोटल 2000 ईंटें लगेंगी। ये दोस्तों पूरी तरह से प्रूव्ड है और इस फॉर्मूले से जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल निकलता है वो पूरी तरह सही रहता है। बाकी जो दो तीन दूसरे या तीसरे फॉर्मूले हैं उसमें आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं वो एकदम परफेक्ट आते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to our channel Civil Ki Baat and press the bell icon and never miss another update.